कथा को ये सोचकर सुनते हो कि ये कथा सुनने के बाद मैं कृष्ण को जान जाऊंगा तो मुझे माफ कीजिएगा, ऐसा ना मैं बता सकती हूँ ना ही आप समझ सकते हो। हमारी बुद्धि जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो भगवान को पकड़ पाए, भगवान को नहीं समझ पाएगी। हमारे लिए भगवान को समझना असंभव है, भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान को क्या करना होता है, अभी देखो जैसे मैं आपको बताऊं, एक पिताजी है 7 फीट के, ठीक है, और उनका छोटा सा बच्चा है 2 फीट का। वो अगर चाहे कि मैं अपनी कोशिश से अपने पिता के कंधे पर चढ़ूं तो उसके लिए संभव नहीं है, वो अपने से कोशिश करेगा क्योंकि पिताजी तो 7 फीट के हैं। लेकिन यदि पिताजी उसकी चेष्टा से खुश हो जाते हैं और अपने आप को झुकाते हैं, नीचे बैठते हैं और झुक जाते हैं, तो फिर क्या करेगा, वो झुक के उसको बच्चे को ऊपर उठाते हैं और यहाँ पर बिठाते हैं तो वो आसानी से बैठ जाए। उसी तरह से हम भगवान को नहीं समझ सकते।